सखी ने जाकर के कहा कि बहन तुम्हें नहीं पतो जा बगिया में दो नौजवान घूम रहे हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं, जिनमें से एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। और बोली राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, सजनी राम बगिया में आए। जैसे ही सीता जी से सखी ने कहा कि बहन तुम्हें नहीं पता इस बगिया में दो नौजवान घूम रहे हैं जो देखने में बहुत सुंदर है, तो उसी समय आई सीता से इस तरीका से कहा तो मैया सीता कहने लगी कि चलो हम भी देख लें। और जैसे ही मैया सीता आगे के लिए बड़ी तो देखा है कि प्रभु देखने में बहुत सुंदर है। आज दोनों एक दूसरे को टकटकी लगा करके देखने लगे, मानो प्रेम की डोरी में आज दोनों बंध गए हों। आज उसी समय मैया सीता ने ये प्रण किया कि हम विवाह करेंगे, तो इन्हीं के साथ में और भागती हुई गिरिजा माँ के मंदिर में पहुंची और गिरिजा माँ की पूजा करने के बाद कहा कि मैया यदि मैंने तेरे सच्चे मन से सेवा की है तो मुझे पति रूप में यही नौजवान प्राप्त हो। तो उसी समय आज मैया गिरिजा ने संकेत के रूप में अपनी माला को नीचे डाल दिया और आज मैया सीता माला को लेकर के वापस महलों में आ गई हैं। इधर प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों फूल लेकर के विश्वामित्र के पास में पहुंचे और जब विश्वामित्र के पास में पहुंचे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इधर स्वयंवर की सारी तैयारियां चल रही हैं। इधर प्रभु राम के पास में लक्ष्मण पहुंचे और बोले कि भैया यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम जनकपुर देख आए। और इधर सारी सखियों ने आकर के जनकपुर में ये डढोरा पीट दिया कि आश्रम में तो नौजवान रुके हुए जो देखने में ये लगता है मानो भगवान। तो जो नारियां बड़ी हुई थी वो तो देख सकती थी प्रभु को, लेकिन जिनकी नई नई शादी होकर के आई थी आज वो बैठ करके सोचने लगी कि प्रभु हमारे नगर में आ चुके हैं लेकिन हम प्रभु फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज बैठ करके रो करके क्या कहती हैं कि हे राम यदि आज भी आपके दर्शन नहीं हुए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि आज साक्षात प्रभु जनकपुर में पधारे हैं। तो आज सखियां विचार करती हैं कि यदि आज भी हमने दर्शन नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और बैठ करके कहती हैं कन्हैया हे राम यदि आज आप नहीं आए तो हमारा जीवन व्यतीत ऐसे ही हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि दिलदार यार प्यारे। आज बैठ करके सोचती है कि हे राघव यदि आज भी हमने आपके दर्शन नहीं कर पाए थे
हम दर्शन आपके कब कर पाएंगे। और आंखों से आंसू बह रहे हैं, हे राघव अब तो आज आकर के आप हमें दर्शन दो। इधर राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुरी में घूम रहे हैं और रोते हैं सपना के दिल दर्शन नहीं कर पाए तो हम आपके दर्शन कभी नहीं कर पाए। दर्शन नहीं हुए तो ये बैठ करके बेचारी रोती रहेगी और क्या कहती है।